वेलकम दोस्तों, iQOO 12 जो स्मार्टफोन है इसके कुछ कॉन्सेप्ट रेंडर सामने आए हैं जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देख लो, iQOO 12 स्मार्टफोन आपको कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। OnePlus Note 3 जो स्मार्टफोन है ये काफ़ी जल्दी लॉन्च होने वाला है और आज इस स्मार्टफोन के इंडियन वेरिएंट के ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन सामने आए हैं जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.74 इंचिस की 1.5K एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलेगी, 120 हर्ट्स का हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है, MediaTek Dimensity 9000 चिपसेट देखने मिलेगा, 50+8+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप और साथ ही 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है, 5000 mAh की पावरफुल बैटरी और साथ ही 80 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट रहने वाला है। तो OnePlus Note 3 का आप कितना वेट कर रहे हैं आप मुझे जरूर से बताइएगा। Vivo X90s जो स्मार्टफोन है ये काफ़ी जल्दी लॉन्च होने वाला है और आज इस स्मार्टफोन के रिटेल यूनिट की लाइव इमेजेस लीक हो गई है जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देख लो, और इस स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर से बताइएगा। OnePlus V Fold करके OnePlus का फोल्डेबल स्मार्टफोन हमें काफ़ी जल्दी देखने मिलने वाला है और आज इस स्मार्टफोन के कुछ कॉन्सेप्ट रेंडर्स और साथ ही ऑफिशियल की स्पेसिफिकेशन सामने आए हैं जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस स्मार्टफोन के रेंडर्स वन लीक ने क्रिएट किए हैं, तो 100% OnePlus Fold स्मार्टफोन की डिज़ाइन आपको कुछ ऐसे ही देखने मिलने वाली है। तो आपका इस स्मार्टफोन के बारे में कोई ओपिनियन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। Realme Pad 2 जो टैबलेट है ये आज इंडियन BIS सॉल्यूशन पर लिस्ट हो गया है जिसकी डिटेल आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देख लो, Realme Pad 2 हमें काफ़ी जल्दी इंडिया में भी देखने को मिलने वाला है। Redmi K60 Ultra जो स्मार्टफोन है ये आज 3C सॉल्यूशन पर लिस्ट हो गया है जिसकी डिटेल आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस स्मार्टफोन में आपको MediaTek Dimensity 9200 प्लस चिपसेट देखने मिलेगा और 120 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट रहने वाला है। तो इस स्मार्टफोन पहले चाइना में लॉन्च होगा, फिर हमें ये काफ़ी जल्दी इंडिया में भी देखने को मिलने वाला है। सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा जो स्मार्टफोन है ये दो नए कलर वेरिएंट में ग्लोबली लॉन्च हो गया है जिसके फर्स्ट लुक आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मुझे तो ये वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, आपको ये कलर वेरिएंट कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 सीरीज की जो टैबलेट्स है इनके डिस्प्ले और बैटरी की स्पेसिफिकेशन सामने आए हैं जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो गैलेक्सी टैब S9 में आपको 11 इंचीज की डिस्प्ले देखने मिलेगी, 8400 mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिलने वाली है और गैलेक्सी टैब S9 प्लस में आपको 12.4 इंचीज की डिस्प्ले देखने मिलेगी और 10900 mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिलने वाली है और गैलेक्सी टैब S9 अल्ट्रा में आपको 14.6 इंचीज की डिस्प्ले देखने मिलेगी और 11200 mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिलने वाली है। तो आपको इन टैबलेट्स की डिस्प्ले और बैटरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। Xiaomi का एक फ्लैगशिप टैबलेट हमें काफ़ी जल्दी देखने को मिलने वाला है जिसके फर्स्ट लुक रेंडर्स आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये टैबलेट सैमसंग के गैलेक्सी S9 सीरीज के जो टैबलेट्स हैं इनके कंपटीशन में हमें देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टैबलेट तो रहने ही वाला है और ये हमें 2 महीने के अराउंड शायद चाइना में देखने को मिल सकता है। OnePlus S2 Pro जो स्मार्टफोन है ये काफ़ी जल्दी लॉन्च होने वाला है और आज इस स्मार्टफोन के कुछ ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन सामने आए हैं जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो स्मार्टफोन में आपको 6.74 इंचेस की 1.5K एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलेगी, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8th Generation 2 चिपसेट देखने मिलेगा और 50+8+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है और 5000 mAh की पावरफुल बैटरी और 150 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट रहने वाला है। तो स्मार्टफोन के स्पेक्स आपको कैसे लगे आपको कोई ओपिनियन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। Google Pixel 8 सीरीज की जो स्मार्टफोन्स है इनके ऑफिशियल वॉलपेपर सामने आए हैं जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देख लो, आराम से देख लो, Google Pixel 8 सीरीज के स्मार्टफोन में आपको कुछ ऐसे वॉलपेपर देखने को मिलने वाले हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं कल शाम को 4 बजे।